आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। आज की ख़ास ख़ास सुर्खियों के साथ मैं आपका मेज़बान आसिफ मीर। आइए डालते हैं आज की ख़ास ख़ास सुर्खियों पर एक नज़र। यूटी जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्राहम करने का सिलसिला हुआ शुरू, लोग भारी तादाद में दफ्तरों तक कर रहे रसाई हासिल। ज़िला पुंछ में ड्राइवरों के टेस्ट होने के बाद आज मुख्तलिफ लोकल रूट्स पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल, ड्राइवरों और आम शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर। डीजल और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल हो रहा इजाफा, पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ महंगा। JKSSB ने जारी की एक नई नोटिफिकेशन, मुख्तलिफ महकमों में 4th क्लास की 8575 नई पोस्टें निकाली गईं। ज़िला अनंतनाग के बीजबाड़ा में जंगजू और फौज के दरमियान झड़प में एक CRPF जवान और एक 4 साल बच्चे की हुई मौत। ज़िला पुलवामा में फौजी अहलकारों और जंगजू के माबेन झड़प में 3 जंगजू हुए फौत। ज़िला डोडा के रागी नाला में एक इको कार हुई हादसे का शिकार, एक ही कुंबा के 5 अफराद हुए जाँ बहक। जम्मू में लोकल ट्रांसपोर्ट 3 माह बाद हुआ बहाल, किराया में 30% हुआ इजाफा। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,296 नए मामले आए सामने और 407 अमवातें की गई दर्ज। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने गुलवान के शहीदों को खराज अकीदत किया पेश, कहा चीन की इस नापाक हरकत का दिया जाना चाहिए करारा जवाब। ज़िला कोलगाम के एक जंगल को लगी आग, महकमा जंगलात ने आग पर काबू पाने की कोशिश। लॉकडाउन के पेश नज़र पाकिस्तान में फंसे कश्मीरियों की आज हुई वापसी, वाघा बॉर्डर से इन तमाम लोगों को वापस भेजा गया। जम्मू कश्मीर बैंक शाख मंडी के सामने लोगों की भारी भीड़, सामाजिक दूरी का नहीं कर रहे पालन, आइन की शरियाम उड़ रही धज्जियाँ। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 4,90,401 और अभी तक इस वायरस से 15,301 लोगों की हो चुकी है मौत। मज़ीद ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाए पंजाल और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।